हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। ये मेरा नाम प्रगति धीरज सिन्हा है। नमस्ते। जी, ये भोजपुरी की मेरी पहली फिल्म है और ये टीनेजर लव स्टोरी है। नाम भी उसका वही रखा है। नए नए बच्चों की ये कहानी है जो टीनेजर से गुजरते हैं और मन के अंदर जो उथल पुथल चलती है और रिश्ते बन जाते हैं और उसका अंजाम क्या होता है। कई बार समाज उस चीज़ को स्वीकार करता है, कई नहीं करता है। तो उन सब चीज़ों को एक स्टोरी के माध्यम से, एक अच्छी कहानी मेरे सामने आई तो उसके माध्यम से पिक्चर के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कहानी आपके लाइफ की नहीं, तो नहीं, है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, ब्रजभूषण जी और हमारा जब परिचय हुआ तो मैंने तब सोचा भी नहीं था प्रोडक्शन भोजपुरी पिक्चर का मैं करूँगी, बट उन्होंने ये मुझे स्टोरी बताई और मुझे स्टोरी भी अच्छी लगी है। और चूंकि उनका काम मैं ऑलरेडी देख चुकी थी, मुझे पता था वो बहुत संजीदा डायरेक्टर हैं और एक पारिवारिक फिल्म बहुत अच्छी तरह से लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं, तो मुझे इस तरह भोजपुरी में आना ज़्यादा अच्छा लगा कि इस तरह मैं कदम रखूँ इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो मुझे इससे बेटर ऑप्शन और कुछ नहीं लगा। जोया खान जो नई लड़की है और भारत गांधी जो यूट्यूबर है, बहुत फेमस है, वो मुख्य कलाकार है। साथ में उनके माता पिता के रोल में जो है वो माया यादव जी है, संजय पांडे जी है, उसके बाद और भी है, प्रेमा किरण जी है। ये सारे कलाकार है जो इस इंडस्ट्री के मंजे हुए कलाकार हैं, वो सारे इनके साथ हैं। हाँ हाँ, देखी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, और जब से बनाने की सोची और पिछले 7-8 महीने से जो काम चल रहा है, हाँ इस दौरान ज़रूर मैंने काफ़ी पिक्चर देखी। पहले थोड़ी कम देखती थी, बट वो भाषा की जो मिठास है वो अच्छी लगती थी, अपनापन लगता था, क्योंकि हम है तो वहीं से ना, कई सालों से मुंबई में है, एक टच सा छूट गया था जो वापस हमने पकड़ लिया इसके माध्यम से। जी, गोरखपुर से हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, वो बहुत ही अच्छे कलाकार है, उम्दा कलाकार है। जी, उनको बोलूँगी जैसे आप बहुत बड़े स्टार हैं, आप सपोर्ट कीजिए हमें कि हमारी भी पिक्चर एक अच्छे लेवल में जाए और भोजपुरी को कोई एक नया आयाम दे सके, पारिवारिक पिक्चरें वापस लोगों में पॉपुलर हो सके। हाँ, सोचा ज़रूर है। इस पिक्चर को तो अभी हम यहीं पे शूट कर रहे हैं, बट आगे हम गोरखपुर में जाने की सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे, लगभग तैयारी है कि हमें आगे भी अपने ही एरिया में जाके काम करना है। फिल्म के गाने पर कितना ध्यान दिया है, कौन म्यूजिक एक्ट्रेस? फिल्म के गाने इस पिक्चर का प्लस पॉइंट है, बहुत ही मधुर संगीत है, बोल बहुत अच्छे हैं और इतना अच्छा लिखने वाले, म्यूजिक देने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा नाम है, वह है विनय बिहारी जी का, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हमसे जुड़े हैं, हम नए होने के बाद भी हमसे जुड़े और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। सिनेमा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया था? ब्रिज बिहारी जी ने, और ब्रिजभूषण जी ने। सर, घर में कोई मेंबर? किस बारे में? फिल्म बनाने में सपोर्ट करने के लिए घर में कोई मेंबर ने सपोर्ट किया आपका? घर से तो सपोर्ट मिलेगा ही, हमारे पति है जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट तो पहले उन्होंने किया, जो तैयार हो गए, हमारी एक इच्छा थी कि फिल्में बनाए और उन्होंने उस चीज़ में हमारी पूरी मदद की है और उन्हीं के द्वारा हमारी मुलाकात ब्रजभूषण जी से हुई थी। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, शेड्यूल तो बहुत अच्छा है, काफ़ी कुछ शूट हो चुका है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमको क्रू मेंबर्स भी बहुत अच्छे मिले, हमसे हमारे साथ जो भी जुड़ते चले गए, हम जैसे ही लोग हैं जो सपने लेकर चलते हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बात नहीं मानता है? नहीं, वो तो गलत हो जाएगा, पहले शूटिंग खत्म तो होने दीजिए, पंगा नहीं लेना किसी से। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.